दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेपाल T20 क्रिकेट टीम के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां इस वीडियो का लाइक टारगेट है 300 लाइक्स। गाइस आज नेपाल वर्सेस ओमान का T20 ट्राई सीरीज का दूसरा मैच मैपल क्रिकेट ग्राउंड कनाडा में खेला गया, जहां नेपाल क्रिकेट टीम और ओमान क्रिकेट टीम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। गाइस अगर नेपाल वर्सेस ओमान के इस T20 मैच की पूरी हाइलाइट्स की बात करें तो सबसे पहले इस मैच में टॉस हुआ, जहां ओमान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। नेपाल के लिए ओपनिंग करने उतरे अनिल शाह और आसिफ शेख, जहां दोनों प्लेयर्स ने पावर प्ले में अटैकिंग बैटिंग की, जहां दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 40 रनों की पार्टनरशिप हुई, वो भी 32 गेंदों में। जहां पावर प्ले के आखिरी ओवर में अनिल शाह 27 रन बनाकर आउट हो गए, वो भी 21 गेंदों में। पावर प्ले के सातवें ओवर में नेपाल का दूसरा विकेट भी गिर गया, जहां देव खनल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नेपाल का स्कोर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद आसिफ शेख का साथ देने आए कुशाल मल्ला, जहां दोनों प्लेयर्स ने सबसे पहले नेपाल के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया, जहां आसिफ शेख और कुशाल मल्ला के बीच 26 रनों की पार्टनरशिप भी हुई। जब नेपाल का स्कोर 68 रन था, तब आसिफ शेख 27 रन बनाकर आउट हो गए। नेपाल का चौथा विकेट 85 रनों पर गिरा, जहां कैप्टन रोहित पौड़ेल भी 2 रनों पर पवेलियन लौट गए। नेपाल का स्कोर 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर्स के बाद। नेपाल का पांचवा विकेट भी 97 रनों पर गिर गया, जहां अच्छा खेल रहे कुशाल मल्ला भी 30 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नेपाल की इनिंग्स को गुलशन झा और कुशाल बुर्टेल ने संभाला, जहां गुलशन झा की शानदार और विस्फोटक बैटिंग देखने को मिली और गुलशन झा ने क्रीज पर आते ही 3 लंबे सिक्स लगा दिए, जहां पहली 10 गेंदों पर गुलशन झा ने 25 रन स्कोर कर लिए थे। जहां गुलशन झा और कुशाल बुर्टेल के बीच शानदार 61 रनों की पार्टनरशिप हुई, वो भी सिर्फ 30 गेंदों में। जब नेपाल का स्कोर 158 रन था, तब कुशाल बुर्टेल 20 रन बनाकर आउट हो गए। गाइस आपको बता दें, नेपाल की इनिंग्स के आखिरी ओवर में दीपेंद्र सिंह ऐरे की विस्फोटक बैटिंग देखने को मिली, जहां आखिरी 5 गेंदों पर दीपेंद्र सिंह ने 2 सिक्स और 1 फोर लगाया, जहां आखिरी ओवर से आए 18 रन और नेपाल ने अपने 20 ओवर्स में बनाए शानदार 176 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अगर नेपाल के स्कोर कार्ड की बात करें तो अनिल शाह ने 27 रन, आसिफ शेख ने भी 27 रन, देव खनल ने 2 रन, कुशाल मल्ला ने 30 रन, रोहित पौड़ेल ने 2 रन, कुशाल बुर्टेल ने 20 रन, गुलशन झा ने शानदार नॉट आउट 40 रन 17 गेंदों में, वहीं दीपेंद्र सिंह ऐरे ने भी नॉट आउट 18 रन बनाए 5 गेंदों में। अगर ओमान के बॉलिंग कार्ड की बात करें तो अकीब अल्यास ने 3 विकेट लिए, शकील अहमद ने 1 विकेट, फयाज भट्ट ने भी 1 विकेट, वहीं जिशान मकसूद ने भी 1 विकेट लिया। 177 रनों का पीछा करने उतरी ओमान की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जहां ओमान का पहला विकेट पहली ही बॉल पर गिर गया, जहां कश्यप प्रजापति गोल्डन डक पर आउट हो गए। ओमान का दूसरा विकेट 9 रनों पर गिरा, जहां अकीब अल्यास ने बनाए 2 रन। वहीं ओमान का तीसरा विकेट 18 रनों पर गिरा, जहां अयान खान भी 2 रन पे आउट हो गए। ओमान ने 6 ओवर के पावर प्ले के बाद सिर्फ 25 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर, जहां पूरा मैच नेपाल के पक्ष में था। तो दोस्तों आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि नेपाल T20 क्रिकेट टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।